मुझे नहीं जाना, जब बहस मत कर मेरे साथ बेटा, जल्दी आ जाएंगे। आप लोग हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती करते हो, मैंने कभी आपको बोला है मेरे दोस्तों की बर्थडे पार्टी में चलो? हम तो तैयार बैठे हैं, सुबह अखबार शाम को बार। हम कोई बार बार में नहीं जाते, दोस्त के घर बैठते हैं। तेरे दोस्तों के घर में घुसने से पहले कलाई पे स्टैंप लगती है? बाप को मत सिखा, तैयार हो। मुझे नहीं जाना आपकी दोस्त की बेटी की शादी में। बेटा हम दोनों साथ में क्रिकेट खेले हैं। तब मैं थोड़ी ना विकेट कीपर था। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे नहीं है ना। तू उनकी बेटी से दोस्ती कर लियो। चल क्या दोस्ती कर लियो, दुल्हन है वो, लड़के वालों से पिटवाएंगे ये। अरे यार तुम ही समझाओ। आप जब तक वापस आओगे मैं घर के सारे काम निपटा दूंगा, वो कूड़े वाले को पैसे दे दूंगा। सफाई वाले को? कूड़ा तो हम फैलाते हैं, वो तो साफ करता है, और मैं उसके पैसे दे चुका हूँ। तू जाके तैयार हो। नहीं मैं नहीं। हम अकेले जाएंगे तो अच्छा लगेगा, लोग पूछेंगे बेटा क्या है? तो बोल देना पढ़ाई कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे मम्मी मैं सच में पढ़ने वाला हूँ। कुछ नहीं करेगा, ये टीवी देखता रहेगा। तो फिर रिमोट ले जाओ अपने साथ। वो तो रख ही लिया है बेटा। टीवी में भी तो बटन होते हैं, बिना तार के कैसे चलाएगा टीवी? YouTube और Netflix भी तो है। वाईफाई का डब्बा भी ले चलो सर। ये कोई गुंडा राज है? ये बबलू राज है, और तू तो पढ़ने वाला था, इंटरनेट का क्या करेगा? पापा इंटरनेट पे सारी पढ़ाई होती है। मैं जब छोटा था मोमबत्ती जला के पढ़ता था। मुझे कोई शौक नहीं रोमांटिक तरीके से पढ़ने का। फालतू बकवास मत कर, जाके तैयार हो। तुमने सगन के पैसे रख लिए? हाँ पूरे 101 हैं। क्या 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 101 सगन के? तो पापा स्कूटी में पेट्रोल नहीं डलवा रहे। तो कितने दें? कम से कम 1001 तो दो। 800 रुपए की परबंदा प्लेट है, 1001 कैसे दे दे? आपको कैसे पता 800 की प्लेट है? केटरिंग वाला मेरा दोस्त है। तो फिर तैयारी क्यों हो रहे हो? बनियान पहने के टेंट में बैठ जाओ, पीछे हलवाइयों के साथ ताजी ताजी पूरियां तोड़ना। तू पागल तो नहीं हो गया? तो आप क्यों चिंदी बना कर रहे हो? 101 रुपए कौन देता है, वो भी लिफाफे में। मम्मी तुम एक काम करो, दूल्हे की ऊपर वाली पॉकेट में चुपके से 100 का नोट रख देना। अफीम की डीलर नहीं है तेरी माँ? ऊपर वाली पॉकेट में रख देना चुपके से, तुम लिफाफे में डालो 100 का नोट, और वो 1 का सिक्का भी। 1 रुपए तो नहीं है, 2 का सिक्का डाल दिया। देखा इसको कहते बड़ा दिल। ये लो मेरे पास है 1 का सिक्का, वो 2 रुपए वापस करो। अरे 2 रुपए तो रहने दो बेटा, 2-2 रुपए जोड़ के इंसान के सर पे छत आ जाती है। पापा 2-2 रुपए जोड़ के सिर्फ नेवी कट आती है, तुझे कैसे पता? सुना है दुल्हन 4 लाख का लहंगा पहनने वाली है। कोई परमीश मल्होत्रा का डिजाइन बता रहे हैं। नकली होगा, ऐसे फेक लहंगे संडे बाजार में मिल जाते हैं पीछे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे जो बर्थडे पे शर्ट और जूता लाया था ना, वो वहीं से लाया था। हाँ तभी जूते पे पुम्बा और शर्ट पे वानी हुसैन लिखा है। हेलो आंटी। हेलो। हेलो केजरीवाल, मैं प्ले स्टेशन ले आया, अब खेलेंगे फीफा। फीफा? इस्तीफा दे दिया आरडी शर्मा ने अपनी जॉब से, पता लगा तुझे? आरडी शर्मा? अरे आरडी शर्मा जिसकी तू बुक लाया है मैथ्स की। हाँ हाँ आरडी शर्मा, आरडी शर्मा। अच्छा, आरडी शर्मा रणवीर दीपिका शर्मा। अबे चुतड़, उन्होंने बोला थक गया हूँ अब एक्स ढूंढ ढूंढ के। हाँ उनकी एक्स को कोई गिटारिस्ट ले गया, और वो कुत्ते की फोटो में टैग करते रह गए। तू तैयार हो जा, नहीं तो हम दूल्हे की एंट्री मिस कर देंगे। एंट्री घोड़े पे तो आएगा? ना ना, घोड़े से मिलता जुलता शब्द है, उस पे बैठ के आएगा। क्या? हंसों के जोड़े पे। तुझे क्या लगा? लड़की को मंगलसूत्र देखना है, सुना है बहुत सुंदर बनाया है। चल जल्दी तैयार हो जा। मुझे नहीं देखना मंगलसूत्र। तो यहाँ क्या देखेगा? कामा सूत्र। इसको छोड़ो, आप लोग जाओ ना। अरे चल ना, वहाँ पे बास्टर्ड रॉबिन्स की आइसक्रीम भी होगी। बास्किन रॉबिन्स होता है, और मुझे फोर्स मत करो प्लीज। नहीं चलेगा? नहीं। पक्का? पक्का। सोच लिया? सोच लिया। आजकल माँ बाप सोन पापड़ी जैसे हो गए, किसी को उनकी जरूरत नहीं है। जानकी What? तुम्हारी चाल। नहीं मम्मी। तुझे? मम्मी प्लीज। मेरी? नहीं कसम। अब तो माँ ने कसम दे दी। मैं नहीं मानता ये सब। वाईफाई का डब्बा उखाड़ दो। हाँ ले जाओ, हॉटस्पॉट से काम चला लूंगा। हॉटस्पॉट क्या होता है? जी स्पॉट की बड़ी बहन। जी स्पॉट वो क्या होता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अंकल, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। क्यों? पापा जैसे अभी शादी में जूता छुपाने की रस्म होगी ना, तो आजकल जूते के साथ साथ जी स्पॉट छुपाने का भी रिवाज है। अच्छा 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 अच्छा। और दोनों को ढूंढना मुश्किल होता है। कैब कब आ रही आप लोगों की? कैब आने वाली तू तैयार? हेलो हाँ जी माधु साहब। जी 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 हम निकल रहे हैं बस। हाँ जी। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। अरे जूता छुपाई की रस्म से पहले ही आ जाएंगे। आखिर हम लड़की वालों की तरफ से हैं, ऐसी जगह जूता छुपाएंगे लड़के वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अरे जूता छोड़िए, जी स्पॉट ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी जी स्पॉट। वैसे मैं ढूंढ पाया आज तक? हर किसी के बस की नहीं है, क्या पता मेरे बाएं हाथ का खेलो। आप एक काम कीजिए, अपनी लड़की से बोलिए आराम से कैंपा कोला के मजे लें, और लड़के वालों को उसका जी स्पॉट ढूंढने दें। बकवास कर रहा हूँ, अरे सारे लड़के मिलके भी नहीं ढूंढ पाएंगे जी स्पॉट, इतना मुश्किल है। और मैं तो कहता हूँ एक बार सारे हाथ पैर मार लें। सिर्फ हाथ? हाँ हाथ मार लें, उसके बाद आप मैं और भाभी जी भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब मिल जाएगा तो वो वाला गाना गाएंगे। उंगली फफा के अंगूठा दबा दूंगी त्यौ त्यौ। शादी में मत आना, मतलब क्या 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 मतलब? हेलो माथू साहब, माथू साहब, हेलो हेलो हेलो, क्या
क्या हुआ? बोल रहे हैं शादी कैंसिल है, आने की जरूरत नहीं है। फिर से कॉल करो, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे